बजरंगी 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 बजरंगी। पिक्चर अभी बाकी है। सिनेमा शुरू होने से पहले मैं आप सबको बता देता हूँ कि फूलपुर में सिनेमा आया है तो सिर्फ सरपंच जी के सौजन्य से। हाँ, तो ए टू जेड सब बोलो सरपंच जी की। ओहो, ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं कभी नहीं बन पाऊंगा सरपंच। आज स्क्रीन लगाई है ये पर्दा वर्दा, कल ये सरपंच यहाँ पिक्चर हॉल भी बनवा देगा भाई। ए आवो आवो, सिनेमा शुरू होने जा रहा है। ए साहिबान मेहरबान कदरदान, आज का जरूरी ऐलान, ए सिनेमा के दौरान बद्धा बच्चा रहेंगे शांत। पेश है आज का सिनेमा। हाँ? जिसका डर था वही हुआ। चवन्नी अठन्नी, इस सिनेमा को रोकना होगा गोलमाल करके, तभी मैं प्रपंच बनूंगा अगला सरपंच। अरे ये क्या हुआ? अरे भाई ये क्या हो गया, तुम्हारा सिनेमा चलते चलते रुक कैसे गया? कहीं गड़बड़ हो गई है सरपंच जी। अच्छा अच्छा वांदा नहीं, जल्दी ठीक करो फिर। हाँ बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। ओहो हो हो, सब कुछ तो सही था, फिर एकदम से प्रोजेक्टर कैसे खराब हो गया? सरपंच जी, आप ही पता नहीं कहाँ से लाते हो ऐसे एरे गेरे सिनेमा वालों को। है? पूरे गांव का टाइम खराब कर दिया आपने। हाँ सरपंच जी, ऐसा तो 50-50 कोस दूर किसी गांव में ऐसा नहीं हुआ है। अब उनका प्रोजेक्टर खराब हो गया तो इसमें सरपंच जी की क्या गलती? गिन गिन के तो चेक करके बुलाना चाहिए था। नहीं, मैं सरपंच होता तो ऐसी गड़बड़ी कभी नहीं होती। हाँ बजरंगी, मुझे लगता है प्रपंच चाचा ही है इस सब के पीछे। चलो फिर पता लगाते हैं। बहुत अच्छे चवन्नी अठन्नी, अब मैं प्रपंच समझो बन ही गया अगला सरपंच। तुम लोगों ने सही समय पर प्रोजेक्टर का तार काट के सारा मामला सेट कर दिया। हम तो आपका ही हुक्म बजा रहे थे ना सरकार। देखा बजरंगी, मुझे पता था ये सब इनकी कारस्तानी है, तो हमारी पिक्चर खराब करके ये बनना चाहता है सरपंच। अब देखना पिक्चर भी चलेगी और इसको भी पड़ेगा पूरे गांव का पंच। अरे लेकिन सिनेमा वाले तो चले गए तो पिक्चर कैसे देखेंगे? सिनेमा वाले चले गए तो क्या, अंकुश और बजरंगी तो है ना। चलो अंकुश, मजा चुकाते हैं तीनों को। रुको बजरंगी, ऐसे नहीं, हमें कोई ऐसी तरकीब सोचनी होगी कि बच्चों की मायूसी भी दूर हो जाए और इनका भी पर्दाफाश हो जाए सबके सामने। पर दोनों चीजें एक साथ कैसे होगी अंकुश? मेरे पास एक बजरंगी आइडिया है। क्या? तो कल हमारा पिक्चर देखने का प्रोग्राम प्रपंच ने खराब किया, उसको तो हम जरूर सबक सिखाएंगे, क्यों अंकुश? बिल्कुल, प्रपंच को तो सबक सिखाना जरूरी है, नहीं तो वो हर बार मूवी नाइट में कोई ना कोई प्रॉब्लम ही करता रहेगा। मेरे पास एक जबरदस्त प्लान है। ये तो मस्त आइडिया छे। हाँ, इससे तो एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। तो चलो बनाते हैं अब हम अपनी खुद की पिक्चर। तो समझ गए ना सब लोग? चलो फिर स्टार्ट करते हैं। लाइट्स कैमरा एक्शन। अब जैसे मैं कहता हूँ जाओ और जाके वो तार काट दो। अच्छा पिक्चर नहीं चलने दी तो अपनी पिक्चर बनाएगा? मैं भी देखता हूँ कैसे बनती है इनकी पिक्चर। आखिर मैं हूँ प्रपंच अगला सरपंच। हे चवनी अठनी इधर आओ। अंकुश इधर चवन्नी अठन्नी तुम्हारे किए कराए पर तेल फेरने आए हैं। अच्छा चलो फिर इनको भी थोड़ा नाच नचाते हैं, क्या बजरंगी?
बस अब जैसा प्रपंच जी ने कहा है, तेल गिरा के इनका डांस खराब कर देते हैं। क्यों, क्या कहते हो? चलो फिर, फिर किस बात की है? पर तेल मैं गिराऊंगा ताकि प्रपंच जी की आंखों में हीरो बनूं। ओहो, अच्छा तो अकेले हीरो बनना है तुम्हें? तेल लाया मैं तो गिराऊंगा भी मैं ही, मुझे अकेले ही हीरो बनना है। क्या स्टेप है अठन्नी जी, मान गए। क्या स्लाइड किया है आपने चवनी जी, मजा आ गया। आप दोनों को तो हमारी फिल्म का हीरो होना चाहिए। हीरो? क्या हम और हीरो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम दोनों में है वो बात। बताओ, क्या कोई है पूरे गांव में तुमसे ज्यादा हैंडसम, तुमसे ज्यादा समझदार? तुम तो पैदाइशी सुपर हीरो हो। वो तो हम है। तो समझ गए चवन्नी अठन्नी, जाओ और वो तार काट दो। यार अठन्नी, ये सीन तो कुछ देखा देखा सा लग रहा है ना? केला, अभी कहाँ देखा, अभी तो देखेंगी पब्लिक हमारी जबरदस्त एक्टिंग। चलो जल्दी। बन गई हमारी मूवी, अब आएगा मजा। मतलब हम बन गए स्टार? अरे स्टार नहीं, सुपरस्टार डुपरस्टार। मतलब अब हम अपनी खुद की मूवी चला सकते हैं सबके सामने। हाँ रेनू, और वो भी ऐसे कि प्रपंच चाचा की पोल अपने आप ही खुल जाएगी। सुनो सुनो सब लोग सुनो, तो आज हम लोग देखेंगे एक और पिक्चर जो अंकुश और गांव के सभी बच्चों ने मिलके बनाई है। ये सरपंच क्या बोल रहा है, इनकी पिक्चर बन कैसे गई है? अरे प्रपंच जी, पिक्चर भी ऐसी बनी है कि आप देखते रह जाओगे। आएला, आखिर उसमें हीरो तो हम दोनों ही है। क्या बेवकूफों, तुम्हें वहाँ पिक्चर रोकने के लिए भेजा था या उसमें एक्टिंग करने है? प्रपंच जी, ये तो बिल्कुल आपके जैसा दिख रहा है। चुप रहो बेवकूफो। जाओ जाके वो तार काट दो। तो ये तार तुम दोनों ने काटी जी, लेकिन हमने। अच्छा हुआ तुमने मूवी बंद करा दी, इससे गांव वालों का टाइम वेस्ट नहीं हुआ, बच्चों को पढ़ाई के लिए टाइम मिल गया और गांव वालों को अपने कामों के लिए। ये तुम दोनों को मिलेगा एक बहुत बड़ा इनाम। आज से तुम दोनों ही हो इस गांव के नए सरपंच। अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छी पिक्चर थी, बहुत अच्छी पिक्चर थी, मजा आ गया। अंकुश बेटा आओ, इधर आओ, अपनी टीम को लेके आओ। बहुत बहुत मुबारक हो तुम सब बच्चों को, बहुत अच्छी पिक्चर बनाई तुम लोगों ने मिलके, कमाल ही कर दिया, बिल्कुल एकदम कमाल। सरपंच जी, इसे हम यही मैसेज दे रहे हैं कि वैसे उस दिन असली में तो प्रोजेक्टर अपने आप ही खराब हो गया था, लेकिन अगर किसी ने सही में खराब किया होता तो उसने गांव की बहुत मदद करी, इसलिए उसे सरपंच बना देना चाहिए। सरपंच जी, आप तो ना हमें ही बना दो सरपंच, जल्दी से, क्योंकि सिनेमा वाली रात में प्रोजेक्टर की तार को हमने ही काटी थी। हो, अरे चुप हो जाओ बेवकूफो, क्या कर रहे हो तुम? चुप रहो, एक तो हाथ पैर सही से नहीं दबाते हो, ऊपर से बीच में बोलते हो। अरे मैं हूँ प्रपंच, अगला सरपंच। अरे ऐसे कैसे, तार हमने काटी तो सरपंच भी तो हम ही बनेंगे ना। अरे पर मैं, ये लोग हमको घूर क्यों रहे हैं? अरे बेवकूफों, वो सब अंकुश की चाल थी और तुमने सब बोल दिया, अब देख क्या रहे हो, भागो। अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम दोनों? अरे पीछे नहीं भागना, आगे भागना है, भागो। प्रपंच जी, आप जा रहे थे, आ रहे थे। अंकुश, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारी चालाकी की वजह से हमें पता चला कि उस दिन सिनेमा बंद कैसे हुआ। इसी बात पे मैं सिनेमा वालों को फिर से बुलाऊंगा अगले हफ्ते। इसी बात पे एक सेल्फी हो जाए प्लीज।